उसको दिमाग में घुसता ही नहीं, इसलिए वो निराकार कर देता। बुद्धि उसका कम है ना, वो समझ नहीं पाता, इसलिए भगवान कहते हैं मनुष्यानाम सहस्येषु कश्चित् जतति सिद्धः जततामपि सिद्धः। वो सिद्धि लाभ किए हुए भी वो समझते नहीं जो कृष्ण सांग भगवान, बड़ा मुश्किल। इसलिए सांग भगवान आकर के समझाए। तो भगवान की कृपा होने से सब समझ में आता है, नहीं तो साधारण सिद्धि लाभ करने से भी वो कुछ नहीं समझ पाया। जैसे ब्रह्म संहिता है, पंथास कोटि शतवत्स संप्रगम वायु रथापि मनसु मुनि पुंगवाना। बड़े बड़े मुनि पुंग, साधारण मुनि नहीं, मुनि श्रेष्ठ पुंग, पुंगम श्रेष्ठ कहा जाता है, बहुत भारी, वो भी भगवान को समझ नहीं पाए। बिना भगवान की कृपा भगवान को कोई नहीं समझता। और जगह भगवान बताए भक्त्यामाम अभिजान, वो समझने का उपाय यही भक्ति है, और नहीं, ज्ञान नहीं, कर्म नहीं, योग नहीं, ये सब पद्धति से कोई भगवान को समझ नहीं पाए। इसलिए भगवान कहते हैं मनुष्यानाम सहस्येषु कश्चित् जतति सिद्धः। सिद्धि लाभ करने से क्या है, योग सिद्धि आप कर लाभ कर सकते हैं कि हवा से उड़ जाए, ये योग सिद्धि है, लघिमा सिद्धि, और कुछ मैजिक दिखा दे, ये सब आप कर सकते हैं योग सिद्धि से, बाकी उसके द्वारा भगवान को नहीं समझ पाए, ये संभव है। आप गायन का बहुत बड़े बड़े बात कर सकते हैं, ये ब्रह्मा है, ये ब्रह्मा नहीं है, बाकी उसके द्वारा भगवान को नहीं समझ पाए, ये भगवान खुद बता है कि मनुष्यानाम सहस्येषु कश्चित् जतति सिद्धः जतताम अपि सिद्ध्यानाम कश्चित् वेत्ति तत्। बाकी ये जो कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट है, आंदोलन है, इतना सरल, ये जो भगवान कृष्ण को समझ गया और उसको चरण में आत्मसमर्पण कर दिया, इसका कारण है ये भगवान की कृपा। वो जो भगवान चैतन्य महाप्रभु रूप से आकर के सबको कृष्ण भक्ति कृष्ण प्रेम दे रहे हैं, ये चैतन्य महाप्रभु को आश्रय करने से बहुत जल्दी भगवान कृष्ण को समझ पाए। इसलिए उचित है श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौ भक्त, इनको नमस्कार करके फिर जगह हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये मंत्र जपा जाए तो बहुत जल्दी काम, ये आप लोग की कोई मुश्किल नहीं। केवल शास्त्र विधि जो है उसको ग्रहण करके ज्ञान और विज्ञान, विज्ञान से काम कीजिए तो भगवान वो तो खुद ही आते हैं, जहां को ले हो भगवान कृष्ण आकर के खुशामदी कर रहे हैं, ये देखो हम तुम्हारा सामने हैं, ये देखो हमारा वृंदावन लीला देखो, और तुम भी इधर आकर के हमारा साथ मैं वो राखाल बालक होकर के हमारे साथ खेल सकते हो, गोपी बन करके हमारा साथ आनंद ले सकते हो, और हमारा माँ भी बन सकते हो, हमारा बाप भी बन सकते हो, हमारा मित्र भी बन सकते हो, हमारा गाय भी बन सकते हो, जो चाहे तुम उसी तरह से आओ हमारा। इसीलिए भगवान आते हैं और लीला प्रकट करके हम लोग को दिखाते हैं। बाकी और चैतन्य महाप्रभु कहते हैं अगर कुछ भी नहीं समझते हो तो केवल भगवान का नाम ग्रहण करो, केवल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, इसको जपा करो, एक दिन तुम्हारा भाग्य सुप्रसन्न हो जाएगा, भगवान से दर्शन हो। ये चैतन्य महाप्रभु इतना सरल शास्त्र सिद्धांत है, कलो हरे नाम केवलम कलो नास्तेव गतिरन्न था, कलयुग में यही साधन है। भगवान को भगवान बहुत सस्ता कीमत हो गया कि कलयुग में, जैसा कलयुग महापाप युग है तो महापाप युग होते हुए भी भगवान ने अपने को बहुत सस्ता कर दिया, तो तुमको योग जाग ध्यान धारणा कुछ नहीं करने पड़ेगा,
वन में नहीं जाने पड़ेगा, जंगल में नहीं जाने पड़ेगा, कहीं भी बैठ करके हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, अपराध सुन करके नाम जपा करो, भगवान की कृपा से एक दिन तुम्हारा भाग्य सुप्रसन्न हो जाएगा और भगवान का दर्शन हो जाएगा। ये शास्त्र का विधि है। इसलिए ये जो आप लोग देखते हैं निम्रत से जवान सब वैष्णव हो गया, ये चैतन्य महाप्रभु की कृपा है। चैतन्य महाप्रभु की ऐसी कृपा है, चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है। कृष्ण सबको बताया सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकं शरणम व्रज, सब छोड़ो, सब झूठा धर्म सब छोड़ो, एकमात्र असल धर्म है, धर्मांत साक्षात भगवत प्रणेम, उसको ग्रहण करो। इधर उधर बात में क्यों फंसते है। भगवान खुद कहते हैं जो दूसरे देव से देवता को भजन करता है उसको बुद्धि नष्ट हो गई। उसको बुद्धि नष्ट हो गया। कामस्तस्य हितज्ञाना जजन्ते अन्न देवता, और दूसरे देवता को कोई अपमान करना नहीं है, बाकी भजनीय वस्तु जो है वो भगवान एकम। इसलिए भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम। और नहीं ये नहीं समझे थोड़ा इसको भी भक्ति कर ले, उसको भी भक्ति कर ले, उसको भी पूजा कर ले, उसे जहां से जो कुछ मिल जाए, ये इसमें एकाग्रता नहीं होता। एकांत तो भाव से भजन करना चाहिए, भजते माम अनन्न भाव, और मन दूसरे में नहीं। ये चीज इनको सिखाया जाता, देखिए एकाग्र भाव से केवल कृष्ण में मन को अर्पण कर दिया और कितना जल्दी इसका काम हो, आप लोग सब देख सकते। तो मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् जतति सिद्धये जततामपि सिद्ध्यां। ये जो भगवान को नहीं समझ सकते हैं, बाकी भगवान खुद चैतन्य रूप आकर के अपना व्यवहार से दिखा रहे हैं कि किस तरह से भगवान को तुम प्राप्त कर सको। चैतन्य महाप्रभु कुछ काम नहीं था, केवल कीर्तन करने, संकीर्तन ही तो पितरो, वो संकीर्तन का पिता चैतन्य महाप्रभु, और सफल भी है सब जगह में। देखिए जहां जहां संकीर्तन हो रहा है बहुत जल्दी, अभी हमारा अफ्रीका में नैरोबी में बहुत उत्सव होगा, ये 26 जनवरी से और 30-31 जनवरी तक बहुत भारी उत्सव होगा। अब मैं भी उधर जा रहा हूँ, हमारे आदमी सब जा रहे हैं, तो सारा दुनिया में ग्रहण कर रहे हैं। क्यों? ये चैतन्य महाप्रभु की कृपा है, क्योंकि ये संकीर्तन का माध्यम से परम विजय थे श्री कृष्ण संकीर्तन। चैतन्य महाप्रभु आशीर्वाद किया है, चीत दर्पण मार्जनम भम महागाप श्रेय कैरव चंद्र का वितरणम विद्यावध जीवन आनंदामृति वर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादन सर्वात्म सफलन परम विजय थे श्री कृष्ण संकीर्तन। ये कलयुग में श्री कृष्ण संकीर्तन विजय लाभ कर, और कोई चीज विजय लाभ नहीं कर सके। इसलिए सरल है, कलयुग का आदमी सब पतित है, मंदास मंद मतयो मंद भाग्या उपद्रता, ये उसको मत सम सुमंद है, बहुमत हो गया, भगवान को छोड़ करके अपना अपना सब अलग अलग सब धर्म निकाल, ये धर्म है वो धर्म है वो धर्म है। इसलिए कहते हैं सुमंद मत, एक एक मत सब वो सुमंद है, और मंद भाग्य है, भाग्य भी बहुत मंद है। इतना सरल से भगवान को मिल सकता है, वो उसमें नहीं जाए इधर उधर बात सब ले आए, इसलिए मंद भाग्य, वास्तविक मंद भाग्य। देखिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मंद भाग्य का विषय नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति। भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं देखो भगवान का नाम में सब भगवान की शक्तियां है, भगवान अनंत शक्तिमान सर्वशक्तिमान, भगवान का नाम में भी, क्योंकि भगवान का नाम और भगवान कोई अंतर नहीं है, पृथक नहीं है, नाम नाम अभिन्नत्या नाम नाम। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति तत्तार्पिता, भगवान का नाम में अनेक भगवान की जो शक्तियां है सब उसमें है। और नियमित स्मरण काल,
अगर पूजा पाठ करना है तो उसका बहुत नियम है। हाँ, और नाम जप करने के लिए कोई नियम है, कहीं भी किस समय में किसी अवस्था में कोई देश में कोई व्यक्ति भी नाम ग्रहण कर सकता। नियमित स्मरण न काल इतादिशी तब कृपा भगवान ममापि। हाँ, तो कहते हैं भगवान ये कलयुग के लिए आप इतना कृपा किए हैं, दुर्दैव ईदृशम यहाँ जनिना रहा, परंतु हमारा दुर्भाग्य ऐसा है जो नाम ग्रहण करने में हमारी रुचि नहीं है। हाँ, ये चैत्र माँ कहते इतना सरल उपाय है भगवान को लाभ करने के लिए, उसमें हमारे रुचि नहीं है। और इधर उधर बात में और सर बाक चातुर्य में जो देखो जी तुम भगवान है मैं भगवान है, भगवान कहाँ ढूंढते हो, भगवान रास्ते रास्ते में घूम घूम रहा है और भगवान मर गया है इत्यादि इत्यादि, अब हम भगवान होके आए हैं हमको ग्रहण करो, ये सब धोखाबाजी में आदि सब फंस जाए। और जो सरल उपाय है जो केवल मात्र भगवान का नाम ग्रहण करने से भगवान को मिल सकेगा, शास्त्र निर्देश अनुसार बड़े बड़े आचार्य का निर्देश, उसको हम लोग ग्रहण करें। ये सब दुर्बुद्धि छोड़ दी, छोड़ करके एकांत भाव से भगवान का नाम ग्रहण कीजिए, देखिए कितना जल्दी भगवान का अनुभव होता है और आगे जाकर के कितना जल्दी भगवान का दर्शन हो। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा।